दोस्तों इस वीडियो से हम इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास बेसिक से जानेंगे, शुरू से जानेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और बेसिक से पूरा स्टार्ट करेंगे, पूरा समझ में आएगा, कुछ नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं इतिहास। इतिहास मतलब होता क्या है? तो इति प्लस भव प्लस आस, इतिहास। इतिहास का संधि विच्छेद किए हैं, इति प्लस भव प्लस आस। इसका मतलब होता है कि बीते समय में ऐसा निश्चित रूप से हुआ, मतलब जो भी घटना हो वो हुआ है, कंफर्म प्रूफ किया जा चुका है, उसी को इतिहास कहते हैं। काल्पनिक नहीं, प्रूफ किया जा चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी है, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा उस चीज को प्रूफ किया जा चुका है, ऐसा हुआ है, साक्ष्य है उसका, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इति भव प्लस आस, इसका मतलब होता है बीते समय में ऐसा निश्चित रूप से हुआ, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा। इतिहास का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके दिमाग में आया? हेरोडोटस के दिमाग में आया, इसीलिए इतिहास के जनक हेरोडोटस को बोला जाता है। चलिए हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास मतलब क्या होता है? बीते दिनों के मानवों की कहानी को हम इतिहास कह सकते हैं, ठीक है। इतिहास किसी न किसी तरह से मानव से रिलेटेड रहेगा ही, अगर दूसरा चीज के बारे में भी अगर पढ़ रहे हैं इतिहास में, तो वहां पे मानव का कनेक्शन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास को हम तीन भाग में बांटते हैं सुविधा के लिए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, सुविधा ऐसा हो पढ़ने में, इसलिए हम इतिहास को तीन भाग में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को तीन कालखंड में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए प्रागैतिहासिक काल ऐसा समय को बोलते हैं जिसमें न तो लोग पढ़ सकता था, नहीं लिख सकता था, उल्टा कहें तो नहीं लिख सकता था, नहीं पढ़ सकता था। जब लिखेगा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या? मतलब कहने का कि लिखने का अकील नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था, अकील नहीं था उस टाइम लिखने का, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आदि मानवों की कहानी, आदि मानवों के समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। लोग लिखना नहीं जानते थे, कुछ भी लिखना नहीं जानते थे, जानवर की तरह रहते थे, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। लिखना नहीं जानते थे, जब लिखना नहीं जानते थे तो पढ़ना भी नहीं जानते थे। उसी में आया पाषाण काल, तो प्रागैतिहासिक काल में को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, पाषाण काल, स्टोन एरा, ठीक है। तो स्टोन एरा को भी तीन भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इधर देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब जिसमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, उसको प्रागैतिहासिक काल, उसे पाषाण काल भी बोले। अगला है आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में मानव जो था वो लिखना तो जाना, लेकिन ऐसा लिखा कि आज तक कोई उसको पढ़ ही नहीं पाया, मतलब इसमें लिखना जाना, लिखा भी लेकिन पढ़ नहीं सका कोई भी, पता ही नहीं क्या लिखा। इसके वजह से इसे आद्यैतिहासिक काल कहा गया। आद्यैतिहासिक काल में मानव लिख तो रहा था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसको। इसमें भी पुरातात्विक स्रोत रहेगा, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत रहेगा। पुरातात्विक स्रोत सब में होता है, पुरातात्विक साक्ष्य सब में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको आद्यैतिहासिक काल में आएगा। लिखा हुआ तो है, बहुत सारा चीज मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्यैतिहासिक काल में रखेंगे। और प्रागैतिहासिक काल में जिसमें लिखना भी नहीं आता था और पढ़ना भी नहीं आता था, प्रागैतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल, अब क्या हुआ ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा भी है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में तो ऐसा समय, ऐसा पीरियड जिसमें मानव लिखा भी और उसको पढ़ा भी जा सका अभी के समय में, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें इतना था, फिर से एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, इति भव और आस तीनों को मिलकर बना है, इसका मतलब होता है बीते समय में ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हम तीन कालखंड में बांटे, इतिहास का मतलब होता है बीते दिनों के मानवों की कहानी, ठीक है। इतिहास को हम तीन कालखंड में बांटे, प्रागैतिहासिक जिसमें लिखना पढ़ना आदमी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, जानवर की तरह रहता था प्रागैतिहासिक,
ठीक है। पुरातात्विक स्रोत उसका प्राग ऐतिहासिक को प्राचीनकालीन भी कहते हैं। आज ऐतिहासिक में लिखना तो जाना लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे और ऐतिहासिक में लिखना पढ़ना दोनों जाना, लिखा भी और उसको अभी पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं उसको। ऐतिहासिक ऐतिहासिक में हम पुरातात्विक स्रोत तो है ही, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक डिटेल से पढ़ेंगे और अब आगे इसके आगे हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।